चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़े मिल जाए तो फिर और क्या चाहिए। आज मैं आपके लिए लाई हूँ स्टफ्ड ब्रेड पकौड़ा और हरी चटनी की रेसिपी। तो चलिए मानसून स्पेशल ब्रेड पकौड़ा की रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए हम यहाँ लेंगे उबले हुए आलू। इसको मैंने कुकर में 4 सीटी आने तक उबाल लिया है। इसका छिलका निकाल कर हम इसे सबसे पहले मैश कर लेंगे, उसके बाद बाकी की सारी चीज़ें हम इसमें मिलाएँगे। तो यहाँ पर मैंने आलू को मैश कर लिया है। अब हम यहाँ डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला और ये लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट 1 चम्मच। अगर आपको तीखा कम पसंद है तो आप कम डालें इसको। यहाँ पर हम डाल देंगे कटी हुई धनिया की पत्ती और हम इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। आलू का मसाला आपको जैसा तीखा चटपटा पसंद है आप अपने हिसाब से बना लें उसे। तो अब हम यहाँ चटनी बनाएंगे। चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है फ्रेश धनिया पत्ता, 10 लहसुन की कलियाँ, 2 इंच अदरक का टुकड़ा और 6-7 हरी मिर्च। उसके बाद हम यहाँ एक ग्राइंडर जार लेंगे और उसमें लहसुन, हरी मिर्च और अदरक का टुकड़ा उसमें डालकर और फिर धनिया पत्ता डालकर हम इसका एक फाइन पेस्ट बनाएंगे। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच दही। आइस क्यूब आप यहाँ पे डाल सकते हैं जिससे चटनी जो है वो काला नहीं पड़ेगा। और थोड़ा सा पानी, स्वाद के अनुसार नमक और इसका ढक्कन हम बंद करके इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे घोल तैयार करेंगे। तो घोल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 250 ग्राम के करीब बेसन। यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा नमक, हमने आलू का मसाला में भी नमक डाला है तो यहाँ पे नमक का इस्तेमाल कम करना है। 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, इनको मिला देंगे ऐसे। उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे 1 चुटकी सोडा और 1 गिलास पानी हम यहाँ डालकर इसका एक घोल बना लेंगे। ध्यान रखिए कि घोल बहुत ज़्यादा गाढ़ा और बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर घोल जो है वो तैयार है। आप यहाँ देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होनी चाहिए। फिर हम यहाँ पर लेंगे 2 ब्रेड, ब्रेड के ऊपर, एक ब्रेड के ऊपर हम यहाँ पे टोमेटो केचप लगाएंगे। इसके चारों किनारों पर अच्छे से हमें केचप लगा लेना है और दूसरे ब्रेड के ऊपर लगाएंगे। हमने जो हरी तीखी चटनी बनाया ना उसको हम यहाँ पे अच्छे से स्प्रेड करेंगे। अगर आपको तीखा कम पसंद है तो आप यहाँ पे हरी चटनी का इस्तेमाल कम करें। और अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ये वाली जो चटनी हमने बनाई है तीखी वाली उसका इस्तेमाल ना करें। फिर यहाँ पर ब्रेड के ऊपर जो हमने आलू का मसाला बनाया है उसको हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे चारों तरफ। और ये जो दूसरा वाला ब्रेड है इसको हम ऊपर से ऐसे रख कर अच्छे से हाथ से प्रेस कर देंगे ताकि आलू की वजह से ब्रेड जो है वो अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पर ब्रेड सैंडविच जो है वो बन गया है। तो यहाँ पर मैंने पहले से तेल गरम करके रखा हुआ है। ब्रेड को हम ऐसे बेसन में डिप करेंगे। ध्यान रखें कि ब्रेड को ज़्यादा देर तक बेसन में हमें डुबो कर नहीं रखना है। और यहाँ पर तेल बहुत ही गर्म है तो आपको बहुत ही सावधानी से यहाँ पर पकौड़ा जो है वो डालना है ऐसे। पकौड़ा के नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सा जब सेट हो जाए उसके बाद हम पकौड़े के ऊपर वाले लेयर पे गरम गरम तेल ऐसे स्प्रेड करेंगे ताकि पलटते वक्त बेसन जो है वो फैले ना। ये देखिए, तो जो पकौड़ा है वो हमारा एक साइड से फ्राई हो चुका है। इसको हम ऐसे पलट कर दूसरे साइड से भी फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर जो बूंदे गिरे हैं इसको हम निकाल लेंगे ताकि तेल जो है वो गंदा ना दिखे। तो ये हमारा ब्रेड पकौड़ा फ्राई हो गया है। इसको आप किचन टॉवल पेपर पे या टिश्यू पेपर पे आप इसको निकाल लें ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाए और खाने में भी बहुत टेस्टी लगे। तो यहाँ पर इस सेम प्रोसेस से हम बाकी के भी पकौड़े बना लेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपको तीखा पसंद है तो आप यहाँ पे हरी चटनी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो चटनी का इस्तेमाल ना करें। तो यहाँ पर सेम प्रोसेस से हम ऐसे ही बना लेंगे और दूसरा ब्रेड इसके ऊपर हम ऐसे रख कर चिपका देंगे ताकि आलू की वजह से ये जो है ब्रेड वो अच्छे से सेट हो जाए। तो इसको भी हम चलते हैं फ्राई करके, मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत ही सावधानी से आपको डालना है क्योंकि तेल जो है वो बहुत ही गर्म होता है। और तेल को ऐसे ऊपर इसके डाले। तो हमने जो बेकिंग सोडा डाला है, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप ना डालें, वो टेस्ट में कोई भी अंतर नहीं आएगा।
सोडा का जो काम है वो बस फुलाने का काम करता है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे तो बच्चों के खाने में सोडा का इस्तेमाल ना करें। तो अब चलते हैं हम इसे गर्मा गर्म सर्व करने के लिए। तो ब्रेड पकौड़ा के साथ मैंने यहाँ लिया है टमाटो केचप, और जो हमने तीखी वाली चटनी बनाई है ना वो वाली बहुत ही टेस्टी लगती है, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो अब मैं आपको यहाँ पर ये जो ब्रेड पकौड़ा है इसको कट करके भी दिखाती हूँ कि जो हमने आलू का मसाला, हरी चटनी और टोमेटो केचप जो हमने डाला है वो कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कितना कलरफुल और टेम्पटिंग दिख रहा है। तो जब भी आप इसे सर्व करें ना तो इसे ऐसे कट करके सर्व करें, बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आपने इस रेसिपी को ट्राई नहीं किया है तो आप इस वाले प्रोसेस से एक बार ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और टेस्ट में तो बिल्कुल भी पूछिए ही मत, बहुत ही टेस्टी है। तो अगर आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।